हेलो फ्रेंड, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको फिटर ट्रेंड में पूछे गए ITI NCERT एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। यह वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा किस तरह से ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिटर ट्रेड ITI NCERT एग्ज़ाम प्रीवियस एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1, ब्रेज वेल्डिंग के लिए कौन सा गैस फ्लेम प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन दिया है कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, एसिटिलीन फ्लेम, थोड़ा सा कार्बोराइजिंग फ्लेम। इनमें से सही जवाब है ऑक्सीडाइजिंग फ्रेम। अगला क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग के दौरान फ्लैशबैक स्थिति में तुरंत क्या करना चाहिए। ऑप्शन दिया है ब्लो पाइप को सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए, एसिटिलीन के ब्लो पाइप वाल्व को बंद कर देना चाहिए, ऑक्सीजन के ब्लो पाइप वाल्व को बंद कर देना चाहिए, रेगुलेटर एडजस्टिंग टॉप स्क्रू को बंद कर देना चाहिए। इनमें से सही जवाब है ऑक्सीजन के ब्लो पाइप वाल्व को बंद कर देना चाहिए, ये सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पोजीशन में वेल्डिंग करना सबसे आसान होता है। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, फ्लैट, ओवरहेड। सही जवाब है फ्लैट। अगला क्वेश्चन है, एसिटिलीन सिलेंडर में एसिटिलीन को निम्नलिखित में से किस में मिलाया जाता है। पारा, एसीटोन, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड। सही जवाब है एसीटोन। अगला क्वेश्चन है, कटिंग करने के पहले प्री हीटिंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही फ्लेम होता है। ऑप्शन दिया है न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम, थोड़ा सा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इनमें से सही जवाब है न्यूट्रल फ्लेम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेल्डिंग में एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में परिवर्तित करने के वेल्डिंग किया जाता है। ऑप्शन दिया है इंजन जनरेटर सेट, मोटर जनरेटर सेट, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर सेट। इनमें से सही जवाब है रेक्टिफायर सेट। अगला क्वेश्चन है, यदि गैस वेल्डिंग में वेल्डिंग स्पीड बहुत कम होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा दोष आ सकता है। ऑप्शन दिया है छिद्रलता, अंडरकट, कॉनकेव बीड, बीड की अप्राप्त ऊंचाई। इनमें से सही जवाब है बीड की अप्राप्त ऊंचाई। अगला ऑब्जेक्टिव है, माइल्ड स्टील के पार्ट्स को ब्रेजिंग करने के लिए पार्ट्स को निम्नलिखित में से किस तापमान पर गर्म किया जाता है। ऑप्शन दिया है 1050 डिग्री सेंटीग्रेड से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड या 950 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड या 850 डिग्री सेंटीग्रेड से
900 डिग्री सेंटीग्रेड या 650 डिग्री सेंटीग्रेड से 700 डिग्री सेंटीग्रेड। इनमें से सही जवाब है 850 डिग्री सेंटीग्रेड से 900 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला ऑब्जेक्टिव है, प्रोसेस शीट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन दिया है, मशीन व मटेरियल का चयन, उपसाधनों का चयन, स्पेशल टूल और गेज का चयन, उपरोक्त तो सभी। इनमें से सही जवाब है उपरोक्त तो सभी। अगला ऑब्जेक्टिव है, शाफ्ट या बाहरी डायमेंशन को मूलभूत विचलन को निम्नलिखित में से किससे संबोधित किया जाता है। ऑप्शन दिया है ए बी सी डैश 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 जी सी जेड सी, ए बी सी डैश डैश स्मॉल जेड सी प्लस ऑब्लिक माइनस IT01 ITO IT1 डैश डैश IT116। इनमें से सही जवाब है स्मॉल ए बी सी डैश 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 जेड सी, ये सही जवाब है। अगला ऑब्जेक्टिव है, एक वर्कपीस का 50 मिलीमीटर का न्यूनतम डायमेंशन और 0.02 मिलीमीटर की टॉलरेंस के साथ उत्पादन करना है, इस टॉलरेंस के साथ कौन सा साइज सही होगा। ऑप्शन दिया है 50 प्लस माइनस 0.03 प्लस 0.01, 50 प्लस माइनस 0.01 या 50 प्लस माइनस 0.02 या 50 प्लस माइनस 0.01। इनमें से सही जवाब है 50 प्लस 0.02। अगला ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बेसिक होल को प्रकट करता है। सही ऑप्शन दिया है एच स्मॉल एच जी स्मॉल जी। इनमें से सही जवाब है एच कैपिटल एच। अगला ऑब्जेक्टिव है, अधिकतर उत्पादन होल बेसिस पद्धति को वरीयता देता है, जिसमें ऑप्शन दिया है होल का साइज स्थिर रखा जाता है, शाफ्ट का साइज स्थिर रखा जाता है, स्वीकृत टॉलरेंस को होल और शाफ्ट दोनों पर दी जाती है, अलाउंस केवल होल पर दिया जाता है। इनमें से सही जवाब है होल का साइज स्थिर रखा जाता है। अगला ऑब्जेक्टिव है, यदि किस पार्ट के साइज में लिमिट में फिनिशिंग दिया जाता है तो उसे टिम्बर साइज कहा जाता है। ऑप्शन दिया है अधिकतम न्यूनतम बेसिक स्वीकृत। इनमें से सही जवाब है स्वीकृत। अगला ऑब्जेक्टिव है, होल बेसिस पद्धति में अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कोण या क्लियरेंस फिट है। ऑप्शन दिया है 25H7/G11 या 25H7/P6 या 25H7/Z11 या 25H/G11। इनमें से सही जवाब है 25H7/G11। अगला ऑब्जेक्टिव है, किसी कंपोनेंट को ड्राइंग में दर्शाई गई डायमेंशन 20 प्लस माइनस 0.03 mm है तो उसकी टॉलरेंस टिम्ब होगी। ऑप्शन दिया है प्लस
0.03 mm, -0.03 mm, या 0.06 mm या 0.00 mm। इनमें से सही जवाब है 0.06 mm। अगला ऑब्जेक्टिव है, रिमर के किस पार्ट से चिप्स गुजरते हैं और कटिंग एज तक कूलन पहुंचाता है। ऑप्शन दिया है फेस, सैंक, फ्लूड्स, रिमर। इनमें से सही जवाब है फ्लूड्स। अगला ऑब्जेक्टिव है, जो होल कंपोनेंट की पूरी गहराई तक आर पार नहीं बनाया जाता है। ऑप्शन दिया है पिन होल, बोर होल, ब्लाइंड होल, कोर होल। इनमें से सही जवाब है ब्लाइंड होल। अगला ऑब्जेक्टिव है, एल्यूमिनियम के जॉब में टैपिंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन दिया है लॉर्ड ऑयल, मिट्टी का तेल, सूखा या सोडा पानी। इनमें से सही जवाब है मिट्टी का तेल। अगला ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में से किस टूल का प्रयोग करना करके किसी होल को फिनिशिंग और थोड़ा सा बड़ा किया जाता है। ऑप्शन दिया है टैप, डाई, रिमर, ड्रिल। इनमें से सही जॉब है रिमर। अगला ऑब्जेक्टिव है, ग्राइंडिंग व्हील को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया है रेत, ग्रेनाइट, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिकॉन कार्बाइड। सही जवाब है सिलिकॉन कार्बाइड। अगला ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्नेहिंग की जाती है। ऑप्शन दिया है ग्राइंडिंग, हेक्सोइंग, फाइलिंग, चीजिंग, चिजलिंग। इनमें से सही जवाब है ग्राइंडिंग। अगला ऑब्जेक्टिव है, ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कोण टिम्बो टिम्बो होता है। ऑप्शन दिया है 124 डिग्री, 118 डिग्री, 59 डिग्री या 121 डिग्री। इनमें से सही जवाब है 118 डिग्री। अगला ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में से किस कारण से ग्राइंडिंग व्हील को ग्लेजिंग होती है। ऑप्शन दिया है व्हील की स्पीड अधिक होना, ग्रेन साइज अधिक फाइन होना, व्हील हार्ड होना, ख और ग दोनों। इनमें से सही जवाब है व्हील हार्ड होना, ये सही जवाब है। अगला ऑब्जेक्टिव है कि वे ग्रुप वाले होल में रिमिंग करने के लिए निम्नलिखित में से किस रिमर का प्रयोग चाहिए करना चाहिए। ऑप्शन दिया है टेपर रिमर, पायलट रिमर, हेलिकल फ्लूट रिमर, स्ट्रेट फ्लूट रिमर। सही जवाब है स्ट्रेट फ्लूट रिमर। अगला ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में से किस टूल का प्रयोग करने के करके धातु की सरफेस से बहुत छोटे छोटे चिप्स में धातु को हटाया जाता है। ऑप्शन दिया है हेक्सॉ, चिजल, रिमर, स्क्रैपर। इसमें सही जवाब है स्क्रैपर। अगला ऑब्जेक्टिव है, वर्नियर हाइट गेज को विनिर्दर्श किया जाता है। ऑप्शन दिया है बीम की चौड़ाई से, मेन स्केल की ऊंचाई से, स्क्राइबर की लंबाई से,
बेस की ऊंचाई से। इनमें से सही जवाब है मेन स्केल की ऊंचाई से। अगला ऑब्जेक्टिव है वर्नियर ब्यूअल प्रोट्रैक्टर में 23 डिग्री को कितने वर्नियर डिवीजन में बांटा जाता है। ऑप्शन दिया है 12, 15, 22, 24। इनमें से सही जवाब है 12। अगला ऑब्जेक्टिव है मैट्रिक वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर का सूक्ष्मता टिम्बो होती है। ऑप्शन दिया है 0.01 mm, 0.001 mm, 0.02 mm, 0.002 mm। इनमें से सही जवाब है 0.001 mm। अगला ऑब्जेक्टिव है डायल टेस्ट इंडिकेटर में निम्नलिखित में से किस मैकेनिज्म का प्रयोग होता है जिससे प्लंजर की लीनियर मोशन को पॉइंटर की रोटेशन मशीन से बदला जा सकता है। इनमें से ऑप्शन दिया है स्क्रू थ्रेड मैकेनिज्म, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म, हाइड्रोलिक मैकेनिज्म। सही जवाब है रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म। अगला ऑब्जेक्टिव है मैट्रिक मेटिंग पार्ट्स के बीच क्लियरेंस मापने के लिए निम्नलिखित में से किस गेज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया है कैलिपर गेज, रेडियस एंड फिलेट गेज, स्नैप गेज एंड फिलर गेज। इनमें से सही जवाब है फिलर गेज। अगला ऑब्जेक्ट है गेज को निम्नलिखित में से किस धातु से बनाया जाता है। ऑप्शन दिया है माइल्ड स्टील, अलॉय स्टील, कास्ट आयरन एंड कास्ट स्टील। इनमें से सही जवाब है अलॉय स्टील। अगला ऑब्जेक्ट है छोटे साइज के सुराख में अंदरूनी व्यास को मापन और चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस गेज का प्रयोग किया जाता है। प्लग गेज, रिंग गेज, स्मॉल होल गेज या वायर गेज। इनमें से सही जवाब है स्मॉल होल गेज। अगला ऑब्जेक्टिव है हाई स्पीड स्टील के बने कटिंग टूल को कंपोजिंग 18:4:1 अनुपात में होती है। इसमें अनुपात 1 क्या इंगित करता है। ऑप्शन दिया है क्रोमियम, टंगस्टन, कोबाल्ट एंड वेनेडियम। इनमें से ऑप्शन दिया है सही जवाब है वेनेडियम। अगला ऑब्जेक्ट है पिग आयरन का उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में से किस फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस, क्यूपोला फर्नेस, ओपन हार्थ फर्नेस, इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस। इनमें से सही जवाब है ब्लास्ट फर्नेस। अगला ऑब्जेक्ट है बल्बों में फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु से बनाया जाता है। क्रोमियम, निकल, टंगस्टन एंड कोबाल्ट। सही जवाब है टंगस्टन। अगला ऑब्जेक्ट है ग्रे कास्ट आयरन टिम्बो होता है। डेक्सटाइल, डक्टाइल, सुदृढ़, मेलेबल। सही जवाब है सुदृढ़। अगला क्वेश्चन है स्टील में कार्बन का मात्रा बढ़ाने की निम्नलिखित में से किस गुण की वृद्धि होती है। सॉफ्टनेस, हार्डनेस, डक्टिविटी, मेलेबिलिटी।
इनमें से सही जवाब है हार्डनेस। अगला ऑब्जेक्टिव है एडहेसिव बाइंडिंग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन दिया है फास्टनिंग, सीलिंग, क और ख दोनों, और न क और न ख। इनमें से सही जवाब है क ऑप्शन एंड ख ऑप्शन दोनों, ये सही जवाब है। कास्टिंग एंड सीलिंग ये सही जवाब है। अगला ऑब्जेक्टिव है डॉवल पिनो की सरफेस हार्डनेस टिम्ब टिम्ब होती है। ऑप्शन दिया है 40-44 HRC या 50-54 HRC या 60-64 HRC या 70-74 HRC। सही जवाब है 60-64 HRC। अगला ऑब्जेक्टिव है निम्नलिखित में से कौन से लेथ कैरेज पार्ट का मूवमेंट फेस टर्निंग के लिए प्रयोग में किया जाता है। ऑप्शन दिया है कंपाउंड रेस्ट, क्रॉस स्लाइड, सैडल, एप्रॉन। इनमें से सही जवाब है क्रॉस स्लाइड। अगला ऑब्जेक्टिव है लेथ थ्रेड काटते समय थ्रेड का हैंडल निम्नलिखित में से किसकी रोटेशन द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन दिया है मेन मोटर, फीड शाफ्ट, लीड स्क्रू, मेन स्पिंडल। सही जवाब है लीड स्क्रू। अगला ऑब्जेक्टिव है लेथ पर अनियमित आकार के जॉब को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक्सेसरीज उपयुक्त होती है। ऑप्शन दिया है फेस प्लेट, कैश प्लेट, ड्राइविंग प्लेट, थ्री जॉ चक। इनमें से सही जवाब है फेस प्लेट। अगला ऑब्जेक्टिव है लेथ के सिंगल पॉइंट फॉर्म टूल पर निम्नलिखित में से कौन सा कोन ग्राइंडिंग नहीं किया जाता है। ऑप्शन दिया है रैक एंगल, रिलीफ एंगल, साइड क्लियरेंस एंगल या फ्रंट क्लियरेंस एंगल। तो सही जवाब है फ्रंट क्लियरेंस एंगल। अगला ऑब्जेक्टिव है हार्ड मटेरियल की टर्निंग करने के लिए कार्बाइड टिप्स टूल पर निर्बल निम्नलिखित में से कौन सा एक एंगल ग्राइंडिंग किया जाता है। ऑप्शन दिया है पॉजिटिव रैक एंगल, निगेटिव रैक एंगल, जीरो रैक एंगल, साइड रैक एंगल। इनमें से सही जवाब है निगेटिव रैक एंगल। अगला ऑब्जेक्टिव है लेथ के हेडस्टॉक स्पिंडल को नोच पर निम्नलिखित में से कौन सा टेपर बनाया होता है। ऑप्शन दिया है मोस्ट टेपर, जर्नो टेपर, मैट्रिक टेपर एंड पिन टेपर। सही जवाब है मोस्ट टेपर। इतना ऑब्जेक्टिव एनसीटीटी एग्जाम में पूछे गए, लास्ट प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये। आपने यह वीडियो पूरा देखा इसलिए धन्यवाद। यह चैनल सब्सक्राइब करो, आपका दोस्त को शेयर कीजिए। थैंक यू।